कभी मच्छर और माफिया के लिए बदनाम रहे गोरखपुर की तस्वीर पिछले 5 वर्षों में पूरी तरह बदल गई है। कल को जो शहर पहचान को मोहताज था, आज उसकी नई पहचान पूरे देश में चमक रही है। गोरखपुर ने 5 वर्षों में विकास की लंबी छलांग लगाई है। अब हम सभी को मिलकर इसे सुंदरतम नगर बनाना है। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नागरिकों से कही। वह यहां नगर निगम की तरफ से आयोजित 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 422 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक गोरखपुर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। यहां के व्यापारी को बाहर के उद्यमी उधार नहीं देते थे, युवाओं को बाहर नौकरी नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में यहाँ के नागरिकों ने खुद को विकास के साथ जोड़ा तो 5 साल में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। पहचान के संकट से उबरकर यहां का नौजवान हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गोरखपुर में दिल्ली व मुंबई जैसी चौड़ी सड़कें हैं। गोरखपुर में एम्स है, खाद कारखाना चालू हो चुका है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी सेवा दे रहा है, गोरखपुर में जू है। यहाँ के रामगढ़ताल जैसी झील पूरे देश में कहीं नहीं है। शहर से जितना नज़दीक एयरपोर्ट गोरखपुर में है, वह पूरे देश में कहीं और नहीं नज़र आता। गोरखपुर में कनेक्टिविटी बढ़ी है, आवागमन आसान हुआ है और नागरिकों के लिए सुविधाएँ बढ़ी हैं। एक वह भी समय था जब 12 से 1500 लोगों का कार्यक्रम करने के लिए दिक्कत होती थी, बारिश होने पर कार्यक्रम टाल दिया जाता था। आज गोरखपुर में इसके लिए बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है। गोरखपुर में शानदार रोड कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज गोरखनाथ मंदिर, मेडिकल कॉलेज, महादेव झारखंडी, सहजनवा, किसी भी तरफ चले जाइए 4 लेन की सड़कें मिलेंगी। कालेसर, जंगल कौड़िया बाईपास, जेल बाईपास का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। वाराणसी मार्ग पर भी 4 लेन जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। आज रात में गोरखपुर की सड़कों पर जब लाइट चमकती है तो बाहर से आने वाले लोग अचंभित हो जाते हैं। इसी गोरखपुर में लोग गंदगी और यहाँ के माहौल से आने में डरते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता, विकास कार्यों के संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, हर एक नागरिक को इसके साथ जुड़ना होता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के ही क्रम में गोरधुइया की पहली बार सफाई कराई गई है, नाले के दोनों तरफ पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी, साथ ही इसमें गंदा पानी ना गिरे इसके लिए अलग से पाइप डाला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर की ई बस सेवा को सबने सराहा है। अब पिपराय, चौरी चौरा, गोरखपुर ग्रामीण, कैंपियरगंज, सहजनवा, बांसगांव के विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। 10 नए इलेक्ट्रिक बसें इन क्षेत्रों से जुड़ेंगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर संकट में नागरिकों के साथ खड़ी है। कोरोना काल में सरकार ने नागरिकों को संकट से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मुफ्त राशन, जांच, इलाज व वैक्सीन की सुविधा दी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर पूरे पूर्वांचल के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का बड़ा आधार है। हम सभी को इस जनाकांक्षा के अनुरूप गोरखपुर को सुंदरतम नगर बनाना है। लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित किया। उन्होंने कुछ नए वाहन चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किया, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया तथा पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनके आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने 2 ट्रांसजेंडर को भी रोजगार पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया जाता है, समरस समाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अविनाश सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व नागरिक उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक राजेश त्रिपाठी एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, Got it!
आप पीछे नहीं आगमन होता हुआ हमारे देश में हम सभी उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों के बोध के परिचायक उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस सभागार में भाषण के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मनुष्यत्व के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मंच पर आसीन समस्त जनप्रतिनिधिगण का प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की परंपरा को कायम रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पकलिका प्रदान करके जनमानस की ओर से स्वागत एवं स्वागत के लिए हम आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध करने का स्वागत करें। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के विकास के द्योतक परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से त्वमतिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया कतम विश्वमनंतरूपम्। परम पिता परमेश्वर के चरणों में हम वंदना करते हैं। गोरखपुर के जनमानस समस्त आगे बढ़ता रहे। कर्पूर गौरम करुणार्वतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों के सानिध्य मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत उद्बोधन के लिए हम सर्वप्रथम माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करते हैं। पार्षदों की तरफ से और अपने सभी अधिकारियों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित है हमारे लोकप्रिय विधायक विपिन सिंह जी। कोई व्यक्ति भूखा न रहे, विपिन सिंह जी सुबह से लेकर शाम तक अपने क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं, मैं देखता हूँ। मैं भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री साधना सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष संविधान परिषद में भेजा गया है, इनके नेतृत्व में इनके क्षेत्र के हम लोगों ने सभी सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महाराज जी के कंधों से कंधा मिलाकर सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे, ये हमारे बीच में आए हैं। आज पहली बार सार्वजनिक इस कार्यक्रम में नगर निगम के आए हैं। मैं इनका गोरखपुर के जनता की तरफ से और क्षेत्र के जनता के तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इनके इनके परम सहयोगी गोरखपुर को आधुनिक सिटी बनाने के लिए महाराज जी सब बताएंगे, बहुत सारी घोषणाएं आज करने वाले हैं। मंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री हमारे यशस्वी पूज्य महाराज जी ने जिनको अभी संगठन के कार्यों के नाते एक तोहफा दिया है मित्रों, ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश गुप्त जी नौजवानों को रोजगार का सर्टिफिकेट नौकरी की का सर्टिफिकेट देकर के पूज्य महाराज इस कार्यक्रम में आए हैं। हम ऐसे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे जो दिन रात काम करते हैं आपके लिए समाज के लिए देश के लिए। मित्रों हमारे कई पार्षद बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों का भी कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है। हम चाहेंगे कि आप दोबारा चुन के हमें और बेहतर काम आपने किया है
चंद समय बचे हैं महापौर जी के नेतृत्व में आप लोग और जनता के बीच में रहिए। यह गोरखपुर की पहचान पूज महाराज जी से है, बाबा गोरक्षनाथ जी से है, तो ऐसे गोरखपुर का सम्मान बढ़ाना आप सबका दायित्व होता है। मित्रों, दिन रात एक करके आने वाले महानगर के चुनाव में भाजपा का परचम लहराइएगा। आपके पार्षद होंगे, आपके महापौर होंगे, आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपका विधायक होगा, तो निश्चित साथियों जितना काम गोरखपुर में हुआ है आगे कुछ शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने फिर पूज महाराज जी को 5 साल कल के लिए उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा दिया। मित्रों, पूज महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कल्पनियों से रोजगार उत्कर्ष मिश्रा जी सम्मान एवं राज मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रोजगार पर तत्पश्चात श्री जय प्रकाश जी, सन ऑफ श्री सहदेव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रोजगार पत्र को प्राप्त करते हुए सम्मान प्राप्त करते हुए अरविंद सिंह जी, सन ऑफ श्री हरिशन जी अपना रोजगार पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से प्राप्त करते हुए नगर बस सेवा के ड्राइवर श्री प्रेम जी नगर सिटी बस के ड्राइवर श्री रामजीत जी अपना रोजगार पत्र प्राप्त करके ड्राइवर, तत्पश्चात गोधैया महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। इंदर जी के पश्चात श्री हरीश चंद जी, श्री हरीश चंद जी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। श्री अकाल जी, हम पुष्पों के द्वारा इनके स्वागत के लिए इनके श्री विक्रम जी उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में करने वाले सफाई कर्मी, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए उत्कृष्ट सेवा देने वाले सफाई कर्मी श्रीमती शीला जी मान होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज को स्वच्छता के लिए अपना सदैव योगदान देते हैं। इसके पश्चात श्री गुलाम जी पुत्र श्री करामत अली धर्मशाला बाजार जब भी आवश्यकता पड़ी है आप सदैव स्वच्छता के लिए ये सफाई योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रमावती देवी जी, वाइफ ऑफ श्री अर्जुन निषाद जी विश्वा कॉलोनी से, श्री शिव प्रकाश मिश्रा जी मिलने के लिए आशा लिए हुए हम आमंत्रित करते हैं। आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने निवास की चाबी को प्राप्त करें। श्री श्याम बहादुर जी मिठाई ले जाओ घर में, एक दिन सभी दो बच्चों को खिलाना बहुत तो है। सुखद क्षण अपना निवास प्राप्त करते हुए इसके पश्चात स्वनिधि लाभार्थी मंच पर आएंगे जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और अपने श्री प्रमोद शरण जी सन ऑफ स्वर्गीय राम शरण जी मंच पर आप आ जाएं। विनोद कुमार जी के बाद सीएससी शॉप है नगर निगम गोरखपुर के स्वावलंबी बनने के लिए सहयोग प्रदान किया गया और आज स्वावलंबी बने। अंत में नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ट्रांसजेंडर कृतिका जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे आकर के आज समाज में आगे बढ़ने के लिए तत्पर। कृतिका जी ट्रांसजेंडर और रजनी जी ट्रांसजेंडर जो नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए
आज समाज को लोगों को एक नई प्रेरणा देने के लिए तत्पर है कि प्रत्येक मनुष्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कंधों से विभिन्न योजना सेवाओं में इनका गोरखपुर में 125 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ करतल ध्वनि गोरखपुर के महानगर क्षेत्र के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में ठीक है भैया अरे भाई गड़बड़ आना नहीं भाई हाथ नहीं लगाऊंगा मैं महापौर हम बैठ जाएंगे श्री सीताराम जायसवाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी हमारे माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी श्री फतेह बहादुर सिंह जी श्री राजेश त्रिपाठी जी डॉक्टर बिमलेश पासवान जी श्री प्रदीप शुक्ला जी क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी उप सभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री ऋषि मोहन वर्मा जी नगर निगम के सभी पार्षदगण गोरखपुर नगर निगम के आयुक्त समेत सभी अन्य अधिकारीगण और गोरखपुर के हमारे सभी महानगर के सभी नागरिक भाइयों बहनों आज मुझे एक साथ लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत की नगरीय योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम परिवार को महापौर जी को सभी पार्षदों को और पूरे महानगर वासियों को इन सभी योजनाओं के प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे। हमारे गोरखपुर महानगर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का व्यापारी अगर कहीं उधार कोई सामान लेने का इच्छुक होता था तो कोई भी देश का उद्यमी उसे नहीं देता था। नौजवान को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर। गोरखपुर में एम्स है, बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। भैया 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 बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है और गोरखपुर में अब गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आवागमन आसान हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज से 5 साल पहले अगर हमें 1200-1500 लोगों का कोई कार्यक्रम करना होता था तो बरसात के कारण स्थगित हो जाता था। आज आपके पास योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर यह सभागार और ये ऑडिटोरियम भी आपके पास है।
कुछ आज गोरखपुर के पास है और उन्हीं सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए शासन स्तर पर बड़े बड़े कार्य स्वीकृत हुए हैं। आज आप चले जाइए गोरखनाथ रोड पर, 4 लेन की मिलेगी। चले जाइए मेडिकल कॉलेज रोड पर, 4 लेन की मिलेगी। चले जाइए महादेव झारखंड के रोड पर, 4 लेन की मिलेगी। आप चले जाइए सहजनवा मार्ग पर, 4 लेन की मिलेगी। गोरखपुर में बाईपास कालेश्वर से लेके जंगल कोडिया के बीच में बन चुका है। वाराणसी के बीच में 4 लेन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। गोरखपुर में जेल बाईपास का भी निर्माण युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ आज जब गोरखपुर की सड़कों की लाइट रात्रि को चमकती है तो हर व्यक्ति अचंभित रहता है। जो 5 साल के बाद गोरखपुर में आया होगा सोचता क्या यही वही 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 गोरखपुर है क्या, जहां पहले गंदगी का ढेर होता था, जहां पर लोग आने में डरते थे, जहां पे कोई व्यक्ति गोरखपुर किसी की पोस्टिंग होती थी तो ये माना जाता था कि यह उसको दंड किया दिया जा रहा है। लेकिन आज गोरखपुर ने अपने पहचान से मुक्त होकर के एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा। आज गोरखपुर विकास के बारे में सोचता है। आज गोरखपुर का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ करके एक नई प्रतिष्ठा कमा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक ने जो विकास का एक संकल्प लिया और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ जब आगे बढ़ा है तो विकास की इस प्रक्रिया का लाभ स्वयं भी प्राप्त कर रहा है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी देने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रहा है। तो विकास के कार्य बड़े बड़े कार्य केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं, तो गली मोहल्लों के अंदर के कार्य को भी केंद्र राज्य सरकार उसमें सहयोग करके या नगर निगम जैसी संस्थाएं या हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग करके ये सभी कार्यक्रम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के पहले इतने बड़े कार्यक्रम को मैंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अभी उसको वहां पर शुभारंभ किया है। आप सोचिए आज ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 10,000 युवाओं को हम लोग वहां के रोजगार पत्र देने जा रहे हैं। 136 प्रतिष्ठित कंपनियां देश की वहां पर आई हुई है, नियुक्ति पत्र वहीं के माध्यम से हम लोगों को वितरित करने जा रहे हैं। बृहद पैमाने पर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम इसलिए जिससे गोरखपुर के प्रत्येक नौजवान के जीवन में और गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक के मन में विकास के प्रति एक नई लालसा पैदा हो। आपने देखा होगा अभी मंच पर हम लोगों ने अनेक प्रकार के लोगों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। इसमें नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं यानी लोकार्पण और शिलान्यास के जो कार्यक्रम संपन्न हुए ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने तमाम लोगों को रोजगार के भी कार्यक्रम दिए हैं, नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनका सम्मान किया है, उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम भी किया है। गोरखपुर में अब इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी है और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर की इलेक्ट्रिक बस सेवा को सबने सराहना की है और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। अब मेरे पास ये भी मांग आती थी, मेरे पास पिपराइज के विधायक, चोरी चोरा के विधायक, कैंपियरगंज के विधायक, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, सहजनवा के विधायक, बांसगांव के विधायक, इन सब ने मुझसे मांग की कि गोरखपुर महानगर के अंदर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हो चुकी है, अगर ये पिपराइज से भी प्रारंभ हो जाए, चोरी चोरा से प्रारंभ हो जाए, पीपीगंज से भी प्रारंभ हो जाए, सहजनवा से भी प्रारंभ हो जाए, कौड़ीराम से भी प्रारंभ हो जाए। आज हम लोग इन सभी जगहों से 10 नई इलेक्ट्रिक बसेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो इन सभी क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम करेगा। यानी कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, लोगों का आवागमन जितना आसान होगा, उतना ही लोगों के जीवन में सहजता होगी, सरलता होगी और उनके कार्य उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
लेकिन ये सब तब होता है जब हम सब मिलकर के कार्य करते हैं और विकास की एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने देखा होगा गोड़दोहा नाले कोई सफाई की बात ही नहीं करता था, पहली बार गोड़दोहा नाले की भी सफाई हुई, अब उसको हम पक्का करने जा रहे हैं, उसके दोनों तरफ भी सड़क बनाने जा रहे हैं जिससे लोगों का आवागमन भी ठीक हो सके, कोई गंदा पानी उसमें नहीं गिरेगा, लेकिन गंदे पानी के लिए अलग से पाइपलाइन बिछेगी और फिर उसका ट्रीटमेंट करके फिर उसको उस नाले में डाल करके फिर उस नाले को एकदम साफ पानी उसके साथ टूटता हुआ दिखाई देगा। आवागमन कितना आसान और सरल बनाने का कार्य हो रहा है ये आज आप गोरखपुर के अंदर देख सकते हैं। और इसीलिए आज जब विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हैं, हम लोगों ने 5 वर्षों में एक लंबी दूरी तय की है, आज प्रधानमंत्री आवास योजना है तो पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम भी हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई योजना बन रही है, स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है, जो ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले जो लोग थे कोई पोसता नहीं था। और मैं नगर निगम से कहूंगा कि हम विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर के स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास के साथ जोड़ने का कार्य करें व्यवस्थित रूप से, जिससे सड़कों से अतिक्रमण भी हटे लेकिन साथ साथ उनको व्यवस्थित पुनर्वास करके उनके ऊपर आजीविका का कोई संकट भी ना आने पाए और फिर उन्हें बैंकों से लोन दिला करके सस्ते में लोन दिला करके डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ करके अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो अनेक परिवार, हजारों परिवार और प्रदेश के अंदर लाखों परिवार आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हैं। भाइयों बहनों, जब एक व्यक्ति आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है तो केवल एक व्यक्ति और एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर नहीं होता, प्रदेश स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है। और याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, अंततः व्यक्ति के जीवन में या उसके पारिवारिक जीवन में या समाज के जीवन में अगर हमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का आधार विकास ही होगा। और इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है नगर निगम ने 422 ऐसी परियोजनाओं को आज यहां पे लोकार्पण के लिए रखा, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में पार्कों के सुंदरीकरण का है, सीसी मार्ग का है, जल निकासी का है और भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेज के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी है। मैं भी देख रहा था यहां पर 2 ट्रांसजेंडर को भी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया, वे लोग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। समाज की दृष्टि को बदलने की एक अभियान है, उनके प्रति हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, समाज समरस होकर के आगे बढ़ना चाहिए और ये समता ही हम सब की सबसे बड़ी ताकत होगी। और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। हमें गोरखपुर को सुंदरतम नगर बनाना है, क्योंकि गोरखपुर का मतलब केवल गोरखपुर नहीं होता, गोरखपुर महानगर पूरे गोरखपुर जनपद के साथ साथ पूर्वांचल के व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का आधार भी है और इस सभी के लिए हमें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करानी है। गोड़दोहा नाले की सफाई के लिए जिन नाविकों ने योगदान दिया था उनको भी आज सम्मान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस चालकों को और अन्य लोगों को भी ये सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़े पैमाने पर गोरखपुर महानगर के अंदर बन रहे हैं। मैं देख रहा था यहाँ पर कुछ महिलाएं अभी जब प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास लेकर के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रही थी तो उन्होंने अपने आवास को मुझे दिखाया कि देखिए हमने कितना अच्छा आवास बना दिया, सरकार 2.5 लाख दे रही है और हमने इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया, मेरा बहुत अच्छा आवास बन गया। एक व्यक्ति के लिए जिसने कभी पक्का मकान नहीं देखा, सरकार की योजनाओं को उपलब्ध कराना उसके जीवन में एक परिवर्तन है। और सरकार हमेशा संकट के समय आपके साथ खड़ी है, आपने देखा होगा कोरोना महामारी में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, किसी व्यक्ति को भूखों नहीं रहने देंगे, फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था उपलब्ध कराई, फ्री में टेस्ट, सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया।
और आवास की सुविधा हो, स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना हो, या फिर पर्यटन विकास की ढेर सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का। आज महानगर के अंदर अनेक स्थल ऐसे हो चुके हैं जो पहले जीर्ण शीर्ण थे, बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर हो, बाबा झारखंडी मंदिर हो, सूरज कुंड का हो, मानसरोवर मंदिर हो, मोदीपुर गुरुद्वारा हो, पैल्डेगंज गुरुद्वारा हो, जटाशंकर गुरुद्वारा हो, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ वहां की कनेक्टिविटी है, कहीं सुंदरीकरण के कार्यक्रम को जोड़ने का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य कार्यक्रम, ये तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा इससे पहले राजघाट में जाना होता था तो वहां पे कितनी गंदगी रहती थी, कितनी अव्यवस्था रहती थी, आज पक्का घाट बन गया है। ये जब बनता है तो इन सुविधाओं को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी है, सामूहिक जिम्मेदारी। आज गोरखपुर के चौराहे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वहां फुआरा चल रहा है, फुआरा लाइटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़ा है, ITMS के साथ उसको जोड़ने का कार्य हो रहा है कि हर चौराहे पर CCTV कैमरा लगे, एक एक गतिविधि को चौराहे पर होने वाली किसी भी गतिविधि को कैद करके किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए वहां पर प्रशासन सदैव सतर्क रह सकता है। और इस दिशा में यह कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, एक अपनी सिटी को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, सामूहिक रूप से है, हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये प्लास्टिक तमाम प्रकार की बीमारियों की जड़ है, और साथ साथ यह हम सब का सौभाग्य है कि हम सब देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ ही दिनों में 15 अगस्त को हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आज 3 अगस्त है, 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ना है। और आजादी का अमृत महोत्सव कैसे हो, सबसे पहला काम 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए। आप सभी लोग लगाएंगे हर घर तिरंगा, सभी लोग ऊपर नीचे सभी लोग बताओ हर घर तिरंगा, भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर पर लहराया जाएगा, सभी जगह हर व्यक्ति देश की आजादी के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। और इसलिए हर घर तिरंगा के साथ हमें जुड़ना है, और इस कार्यक्रम में एक संकल्प के साथ जुड़ना है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हुए हैं तब हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे उस समय का एक संकल्प हमारा होना चाहिए कि 25 वर्षों में हमें अपने उत्तर प्रदेश को, अपने नगर को, अपने वार्ड को किन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से महापौर जी और उनकी पूरी टीम को, सभी पार्षदों को, महापौर जी को, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा जी को, अपने सभी विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं, पूरे महानगर वासियों को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम गोरखपुर महानगर के साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के गोरखपुर जनपद को एक आदर्श के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल साइड से करना, साइड से बस चार सौ छप्पन योजनाओं का 122 करोड़ रुपए की लागत से या तो आज शिलान्यास किया गया या फिर उसका लोकार्पण किया गया। गोरखपुर देश के नक्शे पर एक बेहतरीन शहर बने, आम आदमी एक शानदार ज़िंदगी जिए,
उसके लिए जो योगी सरकार और मोदी सरकार कार्य कर रही है उसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम है, ये उसकी एक कड़ी है। मुख्यमंत्री जी द्वारा 122 करोड़ 15 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, ये हमारे गोरखपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गोरखपुर के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे सारे पार्षदों ने, हमारे अधिकारियों ने एक टीम रूप के रूप में काम किया है और गोरखपुर में जितनी भी विकास की योजनाएं आई है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के, उसके 100% पूरा किया है, साथ के साथ उससे भी ज़्यादा करने का नगर निगम प्रयास कर रहा है। हमें उम्मीद है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश में गोरखपुर भारतवर्ष के अपना अग्रगणी भूमिका निभाएगा और इसको सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाने का हमारे पार्षद, हमारे सभी जनता मिलकर के प्रयास करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का हमारा संदेश।